आज के थोड़ा वो बताने चलो हम लोग किस तरीके से एक एनिमेटेड टाइटल इंट्रो बना सकते हैं वीडियो पैड में। और मेरे पिछले वाले वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ मूविंग टेक्स्ट वाले इंट्रोस बनाता था, लेकिन अब से ऐसा नहीं है। अब मैं आप लोगों को अच्छा सा इंट्रो देने जा रहा हूँ। और ये आइडिया मैं यूट्यूब से नहीं देखा था, मेरे मन में अचानक से आ गया, तो मैं सोचा भाई इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। मेरा एक नया गेमिंग पीसी भी आ गया है, मतलब ये मेरा गेमिंग पीसी ही है, बल्कि एक सेटअप हो गया है, एक डेस्क अच्छी सी आ गई है तो उसके लिए। और सबसे पहले तो आपको ये बैकग्राउंड टाइटल में डाल देना है, और फिर आपको टाइटल पे क्लिक करना है और सिंपल टेक्स्ट ओवरले डाल देना है। मैं यहाँ पे अपना टेक्स्ट एडिट भी कर लिया हूँ और टाइटल में इसको ड्रैग कर देता हूँ। करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, अभी इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है। तो एनिमेशन को डालने के लिए आपको दोबारा से टाइटल पे क्लिक करना है, और फिर आपको दिख रहा होगा स्क्रॉलिंग राइट टू सेंटर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग अपना जो है अपना टेक्स्ट डाल देना, मतलब टेक्स्ट नहीं, आपको बेसिकली एक लाइन बनानी है, फिर डैश डैश करके आप एक अच्छी सी लाइन बना देना, ठीक है। अपना कलर भी चुन लेना तुम लोग। तो देखो जैसे ये अभी फिट वेल आ रहा है, तो अभी फिट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा चाहिए उसके लिए, इतना बड़ा काफी है। और अगर हम लोग साइड से देखें अब, तो ये एकदम सही है, यही चीज हम लोगों को चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा से टाइटल पे क्लिक करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको दिख रहा होगा स्क्रॉलिंग लेफ्ट टू सेंटर, इस पर क्लिक करना है। फिर आप अपना एडिट कर लेना, और मैं भी एडिट कर लेता हूँ इसमें, और लिख देता हूँ ट्यूटोरियल एंड गेम प्ले, फिर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसका साइज जो है ना नाइन कर देता हूँ, ठीक है, इतना काफ़ी है। फिर उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे अभी ये जो है उसके ऊपर आ रहा है, तो मिक्सअप हो जा रहा है। मिक्सअप करने के लिए नहीं, आपको ये दिख रहा होगा ये शेड्यूल पे भी, आप ऑप्शन से जाके शेड्यूल पे भी चेक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, मैं चेक नहीं करूँगा। फिर ये जो है इस तरीके का दिख रहा है ना, उसको आप लोग थोड़ा नीचे कर देना टाइप से, थोड़ा नीचे, तो ऐसा होगा कि ये इसकी एनिमेशन तैयार हो जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ अच्छे तरीके से, ये देखो ये लाइन पास आ रही है और ये पास आ रहा है, अभी ये थोड़ा स्लो है, तो अभी मैं इसको पास करूंगा, लेकिन अभी हम लोगों का एनिमेटेड टाइटल लेंस तैयार हो गया है। तो आप जो म्यूजिक भी डाल सकते हो, लेकिन अभी के लिए एक काम और करना है, तो आपको वीडियो फाइल पे क्लिक करना है, और आप लोग अपना फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना, मैं अपना एवीएसएस कर लेता हूँ, मैं स्क्रीन का रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्ट्रेच पे कर लेता हूँ, आप वाइट स्क्रीन पे भी कर सकते हो। लेटर बॉक्स में सब फिर होगा, जैसे आप GTA San Andreas भी जानते हो गए, या फिर GTA Vice City भी खेले हो गए, तो उसमें देखो जब भी कोई मिशन होता होगा तो उसमें एकदम ऊपर से ब्लैक और नीचे से थोड़ा सा ब्लैक आ जाता होगा, तो वो लेटर बॉक्स ही होता है। तो इसीलिए मैं स्ट्रेस से नहीं रखता हूँ हमेशा, उससे कभी भी ऊपर से ब्लैक और नीचे से ब्लैक नहीं है, गेम्स के लोग लेटर बॉक्स। और अगर आप चाहो तो कोई मूवी, अगर आप मूवी बना रहे हो तो आप लेटर बॉक्स को यूज कर सकते हो। वीडियोस के लिए स्ट्रेच बढ़िया रहता है राइट हैंड का, पे देख पा रहे हो ये ना,
अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो आपको दिख रहा होगा, हैंगिंग दिख रहा होगा, लेकिन अभी है नहीं। पर अभी ये थोड़ा स्लो है तो उसको फास्ट करने के लिए आपको दोबारा से उसको वीडियो कॉल में ओपन करना है। Bye-bye.